संबित पात्रा, सबसे पहले इंसानों की सेवा करो। मैं जवाब देता हूँ, बोलिए भाई। ये तो सही हो के आ गए थे तो मतलब आप क्या सोच रही हैं कि 5 तारीख को अगर इनका हो गया हो सिद्दीकी साहब का तो मैं बोल लूं? मुझे लगता है लड़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, किसने कहा कि 5 तारीख को सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे? वालों में से वैसे किसने भी कहा कि अगर कुछ मुहूर्त के लिए सिद्दीकी साहब, मैं बोल सिद्दीकी साहब, मैं स्वस्थ हूँ नहीं हूँ इसकी चिंता आप ना करें, भगवान राम कर रहे हैं मेरी चिंता और मुझे अभी बोलने दिया जाए, धन्यवाद। चित्रा जी, किसने कहा कि 5 तारीख को देश के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे? किसने कहा कि प्रधानमंत्री अगर कुछ आधे घंटे के लिए वहां पर आरती कर लेंगे तो उससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई बंद हो जाएगी? किसने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई और ये जो जंग है उसको समाप्त किया जाएगा? ये धर्म का विषय नहीं है, ये विवेचना का विषय है। मैं आपको कहता हूँ, देखिए, हिंदुओं में नवरात्र बहुत पवित्र माना जाता है। आपको मैं बता दूं, लॉकडाउन के कारण पवित्र नवरात्र में किसी भी मंदिर को नहीं खोला गया, पूरे देश में किसी मंदिर को नहीं खोला गया। रामनवमी के दिन, इस बार रामनवमी 2 अप्रैल को पड़ा और वो खास दिन था क्योंकि 500 वर्षों के बाद हिंदुओं की जीत हुई थी। उसके बावजूद अयोध्या में जहां 20 से 25 लाख लोग प्रतिवर्ष इकट्ठा होते थे भगवान रामलल्ला की पूजा करने के लिए, वहां इस बार एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हुआ। योगी जी ने अनाउंस किया, सभी धर्मगुरुओं ने समर्थन किया कि कोरोना के कारण इस प्रकार भीड़ नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है, आप याद करिए, अभी 4 दिन पहले शिवरात्रि थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस, वो सांसद है बनारस के, वहां करोड़ों लोग पूरे विश्व से इकट्ठे होते हैं रुद्राभिषेक करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए बाबा का, वह भी टाल दिया गया, मंदिर नहीं खोला गया। यहां कहा जा रहा है पूरे देश का आप मस्जिद खोल दीजिए वरना राम मंदिर मत बनाइए। ये किस प्रकार की नीति यहाँ अपनाने की कोशिश की जा रही है? ये वो लोग बता रहे हैं जो 15 करोड़ ज्यादा है। ये कौन कह रहा है? संबित पात्रा, ये नाम बताइए, कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि मस्जिद खोल दीजिए? आप नाम बताइए। ये तो आप अभी बर्क साहब की बात कह रहे थे ना, आप तो अभी बर्क साहब की बात कह रहे थे कि बर्क जी ने कहा है कि मस्जिदों को खोल दो, मस्जिद क्यों नहीं खोलते हैं? आपने अभी कहा है, अभी इसी शो में कहा है। बर्क साहब सुनिए, क्या सुन तो रहा हूं? पूरी बात बर्क साहब ने, देखिए, बर्क साहब का वो स्टेटमेंट वो समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। नंबर एक, बर्क साहब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, इस देश में कोई भी ख्वाहिश जाहिर कर सकता है। उन्होंने एक बात ये कही, एक बात उन्होंने कही, संबित भाई सुन लीजिए, जरा सा इत्मीनान से सुन लीजिए। उन्होंने ये कहा कि सरकार, अगर से मैं विनती करता हूं, अगर सरकार जैसा कहेगी वो किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये खोल दिए, इसके सहमत जो है, देश इस वक्त कोरोना से लड़ रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या हालात हो गए हैं बताइए, बद से बदतर हो गए उत्तर प्रदेश में हालात, और माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, एक बार एएमएम, ठीक है ठीक है, एक बार उनका भी पक्ष हो जाए, उसके बाद संबित मैं तुरंत आपके पास आती हूँ, मैं इसका जवाब दे दूं अगर आप कहीं तो। एक बार असीम बकार साहब की बात हो जाए, क्योंकि उनकी पार्टी के भी बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, सिद्दीकी साहब हो गए आपकी बात है नहीं। संबित भाई, वकार जी बताइए, आप लोगों को क्या तकलीफ है? अगर राम मंदिर का भूमि पूजन या फिर शिलान्यास करने पर मोहर लग जाती है तो क्या परेशानी है आपकी पार्टी? चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। हम लोगों को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, आप मुकदमा जीत गए हैं, आप बनाइए। लेकिन जो परेशानी की बात खड़ी हुई, वो खड़ी हुई है सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती साहब के जो शागिर्द हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ही उस पर आपत्ति खड़ी कर दी है। उन्होंने उस पर बता दिया है कि ये कोई किसी तरह से कोई मुहूर्त नहीं है, भादों के महीने में किसी तरह से कोई एआईएमआईएम को मुहूर्त की चिंता है, होता है कि मतलब शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करवाया जाए, इसलिए आप लोग आपत्ति कर रहे हैं? नहीं, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हाँ। तो हिंदू खुद ही कर रहे हैं, जो सनातन, आप भी सनातन हैं, मैं समझता हूँ आप भी सनातन धर्म को ही मानती हैं, आपके भी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ही होंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुओं को ही इसमें आगे बढ़कर आगे आकर बात करना चाहिए। लेकिन मेरा एक अपना मामला ये मानना है कि देश को धोखे में रखा जा रहा है। किस बात को लेकर? चाइना में पेंगोंग सू पर, जो लद्दाख में जो चाइना है उसने कब्जा कर रखा है और पेंगोंग सू पर चाइना असीम बकार साहब, अगर 2 घंटे का पूजा का कार्यक्रम तय होता है, एक सेकंड सुन लीजिए, अगर 2 घंटे का पूजा का कार्यक्रम तय होता है तो आपको लग रहा है कि उसी दौरान पूरे के पूरे जितने भी देश की समस्या है या फिर मूल मुद्दे हैं उसी दौरान सबको एड्रेस करें प्रधानमंत्री?
अब आप कभी मुहूर्त को लेकर आते हैं, कभी ये कहा जाता है कि वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तो मस्जिद क्यों नहीं खोली जा रही है, आप ही की पार्टी के अंदर से इस तरह की आवाजें निकल कर आती हैं, और आप तो अब बकायदा आपने सनातन धर्म का भी जिक्र कर दिया, ठीक है चलिए उस पर बाकी लोग भी सवाल खड़े करेंगे। जल्दी से बोलिए, जल्दी से समित आ रही हूं मैं, बोलिए। एक लाइन और ले लीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती साहब ने यह कहा है कि 32 सेकंड का कोई मुहूर्त नहीं होता है, मुहूर्त होता है 2 घटी का, 1 घटी होती है आपके 24 मिनट की और 2 घटी का मतलब होता है 48 मिनट। दूसरी बात उन्होंने कही है कि 32 सेकंड में आप ना तो गणेश की पूजा कर सकते हैं, ना रामचंद्र जी की पूजा कर सकते हैं, ना 4 ईंट में मसाला लगा सकते हैं। आप संबित पात्रा जी से कहिए जरा 32 सेकंड में गणेश की पूजा करके दिखाएं मुझे।